गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और ब्लॉग हमारा अभी से स्टार्ट हुआ है और मॉर्निंग का समय है और ऋषित स्कूल जा चुके हैं, इसके पापा छोड़ने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पे हम केलर में आए हैं बिना नहाए, आज पूजा किए हुए सबसे पहले केलर में आए, क्योंकि दिवाली का जितना सामान हम निकाल के ना रखे थे वो पूरा बास्केट देख रहे हैं, इतना सारे बास्केट में भरा पड़ा हुआ था। और आज जाके टाइम मिला है कि इसको खाली करें, क्योंकि अभी अब इसको खाली करेंगे तभी तो हमारा क्रिसमस का डेकोरेशन होगा। तो फाइनली आज टाइम मिला है कि सबसे पहले क्या होता है ना, सोचते सोचते आज करेंगे कल करेंगे और टाइम नहीं मिल पाता है। और इसको ना करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे हमको लगेंगे। और सारे सामान को हम खाली करके एक एक जगह पे रखे हैं, क्योंकि दिवाली का ना डेकोरेशन अब नेक्स्ट ईयर ही यूज में आएगा। तो जो दिवाली का डेकोरेशन है उसको पैक करके एकदम दिवाली का जो बॉक्स है उसमें रख दिए हैं। और रेगुलर जो हम यूज करते हैं ना सामान, उसको हम अलग रखते हैं। जो हर 2 वीक में ना हम डेकोरेशन वगैरह चेंज करते हैं उसको हम अलग रखते हैं। बहुत बार मेरे साथ होता है, आप लोग के साथ होता है कि नहीं, हम बहुत सारा डेकोरेशन ना रख के भूल जाते हैं, इसीलिए ना अब हम हर चीज़ को ना फ्लावर के बॉक्स में रखेंगे, लाइट के बॉक्स में रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं। अगर एक जगह मिला के मिक्स करके रख दिया तो हमको बिल्कुल ही याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही आज सारा काम करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब ये सारा सामान खाली होगा, ये हमारा बास्केट खाली होगा तभी तो फिर क्रिसमस का सामान ऊपर जाएगा। और फिर क्रिसमस ट्री हमारा आ गया है, उसका भी डेकोरेशन करना है, तो वो काम अभी बचा हुआ है। तो हम पहले सोचे क्यों ना पूरा सामान खुल के आए, उससे पहले ये सारा दिवाली का जितना सामान था वो उसको रख दे। अभी भी लाइट वगैरह और वो क्या फ्लावर लगे हुए हैं लिविंग रूम में और सीढ़ी पे, उसको अभी खोलना है। तो देखते हैं उसको अभी खोलेंगे कि जनवरी में खोलेंगे, अभी उसको भी खोलना है, फिर उसको भी रखना होगा। और यहाँ पे रंगोली वगैरह भी ना, जितना रंगोली बचा हुआ हो उसको रख दिए हैं कि नेक्स्ट ईयर इसको यूज कर सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना फ्लावर कटा हुआ मंदिर में लगा था, इतना छोटा छोटा फ्लावर बच गया था, इसको ना हम सोचे फेंक देते हैं, फिर बोले रहने देते हैं, नेक्स्ट ईयर ना हम लोग इसको रीयूज कर लेंगे, किसी भी तरह से ना डेकोरेट कर लेंगे। और फ्लावर है ना, फ्लावर को आप पानी में या कहीं भी डाल के यूज कर लेंगे, तो इसको रहने देते हैं। अभी मंदिर का डेकोरेशन अगर हटाएंगे तो सबको एक ही साथ ना सोचे रख देते हैं। तो ये इतने सारे हैं, पूरे बास्केट में ना दिवाली का सामान बस भरा हुआ था, सबको निकाले। ये और मंदिर का पुराना लाइट है, लाइट को लाइट की जगह पे रख लेंगे ताकि ना हमको नेक्स्ट ईयर ना सारा सामान आराम से मिल जाए। बस यही है आज का काम, बिना नहाए खाए बिना पूजा किए आज हम इसको फिनिश करेंगे। कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए चलिए आ गए हैं किचन में और गर्मा गर्म पहले चाय बनाते हैं। बाबा बाहर बहुत ठंडा है, क्या जी नाश्ता भी और ये बनाएंगे। ये देख रहे हैं क्या है, लाइट ऑन करते हैं, आपको थोड़े दिखा रहे। ये बनने वाला है हमारे किचन में, मस्त टेस्ट आता है ये वाला ब्रेड का, इसमें मस्त वो के लहसुन रहता है और ठंडा में लहसुन तो अच्छा लगता है। तो बनेगा इसका, ग्रिल करना है बस 10 to 15 मिनट। और चाय गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर डिनर का तैयारी। डिनर में आज वो बन रहा है, विंटर है तो सरसों दा साग मक्के दी रोटी। ठीक बा, ठीक बा, साग ले, साग नीचे से लेते आइएगा तो, या नहीं नहीं यहाँ ले आया है बुआ, नहीं नहीं ले आया है बुआ। तो चलिए पहले चाय चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, पहले नाश्ता करेंगे। बहुत जोर का भूख लग गया बाबा, शॉपिंग में ये होता है, घूमते रहो और भूख लग गया है कस के। तो ये ब्रेड गर्म कर रहे हैं, देखे उनको भी भूख लग गया है। ऋषित तो जाता है घूमने के लिए मार्केट, तो कुछ ना कुछ खा लेता है, हम है कुछ नहीं खाते हैं, और मेरे चलते ये भी कुछ नहीं खाते हैं। चलिए चाय चढ़ाते हैं, मिलते हैं। सबका सब है, ऋषित का तो ये नहीं खाएंगे, समोसा बनाओ यहाँ आके हम ठंडा में, अब समोसा उसके लिए बनाए। अरे बाबा कट गया, कट गया।
समोसा ला के मेट्रो से रखे रहते हैं ना, वो बोलता है उसको गर्म करो और वो बनाओ। अभी ये ब्रेड खराब हो जाए उससे पहले इसको गर्म करके खाएंगे। ये देखिए, और ये ना सब जगह लिडिल, रेबे, पेनी सब जगह मिलता है, और बस इसी का टेस्ट हमको अच्छा लगता है। और एक पालक वाला भी रहता है, उसका नहीं अच्छा लगता हमको, ये वाला लहसुन वाला टेस्ट अच्छा लगता है। ये देखिए, बस इसको गर्म करना है, और ये बस स्लाइस में देख रहे कटाई हुआ, बस उसको थोड़ा सा कट करना है, और चाय के साथ मस्त मजा आता है। चाय, चल चाय, चाय इसको पिन कर दो ना, पी लीजिए पी लीजिए। जिसको ये बड़ा धोखेबाज है, खुल नहीं रहा है। नहीं नहीं बाबा, ये बाबा इससे होगा जी। हाँ, ये तो हाथ वाला नहीं खुल रहा है क्या? हाँ नहीं खुल रहा है ना। देखो देखो, उसको योगा देखो कर रहे हैं, बढ़िया से खोलेगा। एक हाँ। भी इधर अगर मेरे से लास्ट टाइम टूट गया था इसलिए। देखो साग निकल गया। हाँ हाँ, वो थोड़ा उलट पुलट के आया ना कुरियर से, थक चा के आया। बस आधा है, बस 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 हम निकाल लेंगे। एक बार ना टूट गया था तो ये बड़ा दिक्कत आया। चलिए चाय बन रहा है, तो चलिए इसको झाजी खोल चुके हैं। ये देखिए, और ये इसका क्वांटिटी 850 ग्राम है। ये ना अगर आपको ठंडा में ना जर्मनी में और ठंडा में सरसों का साग खाना है ना, तो ऐसा पैकेट मिलता है। इसका 250 ग्राम का भी मिलता है, 500 ग्राम का भी मिलता है, 850 ग्राम का भी मिलता है, जो क्वांटिटी लेना है। मेरे घर में ऋषि भी खाता है, पहले वो पालक समझ के खा रहा था, आज उठा पे ना सरसों का साग ऊपर लिया है, लेकिन उसको अच्छा लगता है। अभी इसमें कट करके डालेंगे प्याज, और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे जाएगा लहसुन, गार्लिक जो होता है वो जाएगा, क्योंकि ठंडा में ना, और लहसुन का टेस्ट ना अच्छा भी लगता है साग में। तो सरसों का साग भाई, और घी में इसको जो तड़का लगाएंगे ना, हम घी में लगाते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी लगता है। उसके बाद अपने हिसाब से मसाला उसमें यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, समझे। यहाँ पे ना हमको बथुआ का साग बहुत पसंद है, लेकिन आज तक हमको जर्मनी में बथुआ का साग मिला ही नहीं कभी। किसी को मिला है तो बताइए, हमको तो नहीं मिला है। और यहाँ पे तीनों साग को मिला के ना, मेथी, बथुआ और सरसों, उसका भाई उसका तो स्वाद ही अलग होता है। वो मम्मी बनाती थी ना तो खाते थे, डिफरेंट स्वाद होता है। वो सब मिस करते हैं, स्पेशली बथुआ का, तीज में नोनी का साग, ये सब मिस करते हैं। नोनी का साग, बथुआ का साग कहीं नहीं मिलता है अभी, हमको तो नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है जर्मनी में तो बताइए, हम जाके तो लेके आएंगे। विंटर में ना ये है कि भाई ठंडा रहता है, जैसे लिट्टी चोखा या साग, मक्के की रोटी, ये सब ना अच्छा रहता है। विंटर स्पेशल है ना भाई, मटर, फ्रेश मटर, समझे, मटर का पराठा वगैरह, फ्रेश मटर यहाँ तो सालों भर मिलता है। अभी इंडिया में ठंडी आ गई ना, तो हम मस्त मटर मिल रहा होगा फ्रेश, फ्रेश का बात ही अलग होता है ना। तो ये तो चलिए चॉपिंग वगैरह करते हैं, और रोटी तो मक्के की रोटी भाई गरम गरम बनेगा, वो तो लास्ट में बनाएंगे, पहले ही तड़का उड़का लगा के रख लेते हैं। और ये जाएगा घी का तड़का, दिखाते हैं। और प्याज, टमाटर और ये लहसुन, और यहाँ पे इसमें डाल लें घी, और घी में जाएगा ये सरसों का दाना, इसको थोड़ा सा करकने देते हैं। और यहाँ पे जाएगा लहसुन और मिर्च, थोड़ा देर, क्योंकि ऋषि नहीं खाएगा ना, कोई एक भी मिर्चा पकड़ा गया तो नहीं खाएगा। तो थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, और इसी में जाएगा प्याज कटा हुआ, तो चलिए अब ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारा
मसाला तैयार हुआ कि नहीं। यार यहाँ पे ना टमाटर के साथ ही ना हमने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। जो मसाले आपको पसंद है वो मसाले यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना यूज किए हैं, चाट मसाला। मेरा सीक्रेट, हमको चाट मसाला इसमें ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो एक बार डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया, चाट मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, सारा मसाला डाल के, और इसमें मेरा सीक्रेट यहाँ पे जाएगा, पता है क्या जाएगा? ये भुना हुआ प्याज, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में यहाँ पे जाएगा धनिया पत्ता ही, अभी हम ऐड कर देंगे तो सबको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। समझिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें जाएगा हमारा ये लाल मिर्च। देखिए, हाँ ये ना पालक मत समझिएगा, ये सरसों का साग है। और जानू, सरसों का साग के साथ ये मक्के की रोटी। हाँ, ओहो क्या बात है, मेरा बेटा ना इंतजार कर रहा जल्दी से कि खाना मिले लड़की। वाह वाह, अरे यार ये भी है क्या, हलवा बना है क्या आज? बाबू हेलो, सब कुछ है, सब कुछ है, सलाद भी आ ही गया है। ये देखिए विंटर स्पेशल खाना, खाइएगा। आइए आइए, मुंह में पानी आ रहा होगा, गरम 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 जारी। कैसा है? एक नो जल्दी से तो कीजिए, देखिए मेरा बेटा वेट कर रहा है। चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।